बनाया, तो इस हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, हर कौम का अपना कल्चर डे होता है। आज हमारे बलोच कौम का कल्चर डे। मैं अपने तरफ से दुनिया में किसी भी कोने में जितने भी हमारे बलोच भाई रहते हैं, उन सबको सबसे पहले तो कल्चरल डे मुबारक हो। ये हमारा सकाफती दिन है, हमें सबको आज मिलके आज का खुशी का दिन मनाना चाहिए। और ये लोगों को जो है ना अपने सकाफत जो है ना 200-300 साल पुराने जो है ना हर साल जो है ना वो इंसान को याद दिलाता है जो 300-400 साल पुराने हमारे सकाफती चीज़ें थे। तो आज हम तमाम बलूच कौम यहाँ बैठ के, बलूचिस्तानी लोग यहाँ बैठ के हम बलूच कल्चरल डे मना रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हर साल हम मनाएंगे। आज हमारे पीएसएफ के स्टूडेंट पी अपना यूथ के और पार्टी के साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं। हम बलूचिस्तान के सरजमीन और खुसूसन सरयाम में आज हम खुशी का दिन मना रहे हैं और इंशाल्लाह हर साल हम मनाएंगे। अच्छा सर, ये दिन कितना अहमियत रखता है? आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो जो अपनी जुबान और अपनी सकाफत को भूल जाते हैं तो वो सफाई अस्थी से मिट जाते हैं? देखिए, जो भी कौम इस दुनिया में रहता है अगर उसने अपना सकाफत और कल्चर डे भूल जाते तो मैं समझता हूँ कि वो कौमी ख़त्म हो जाता है। आज आप देखें मुख्तलिफ जहन के मुख्तलिफ लोग यहाँ बैठे, सिर्फ आज का मकसद हमारा बलोच कल्चर डे और हमारा कोई मकसद नहीं है। तो आज बाकी कौमों के लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो देखिए, जो भी कौम ने अपना कल्चर डे या अपना सकाफत भूला है वो कौम ही ख़त्म हो चुका है। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें अपना हर साल जोश खरोश से जो है ना इस कल्चर डे को मनाना चाहिए। पैगाम क्या देना चाहते हो लोगों को? पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ लोगों को, खुसूसन अपने बलोच कौम के नौजवानों को, कि ये मुल्क के पाकिस्तान आप सबका है, सुबह बलूचिस्तान आप लोगों का है। अपना मुल्क और कौम के लिए जदोजहद करो, पाकिस्तान को मजबूत बनाओ, पाकिस्तान का हिफाजत करो। और सबसे पहले आपको पता है तारीख़ में हम बलोच कौम में पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दिया है, बलूचिस्तान के लिए कुर्बानी दिया है। और हम आज के बलोच कल्चर डे के निस्बत से मैं तमाम नौजवान बलोचों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अच्छे रास्ते पर चलो, ये मुल्क आप लोगों का है। इंशाल्लाह ताला आप लोग अच्छे रास्ते पर चलोगे तो इंशाल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा और बलूचिस्तान तरक्की करेगा और यहाँ से नफरत की सियासत ख़त्म हो जाएगा। हम सब भाई बन के यहाँ ज़िंदगी गुजारे तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारा कामयाबी है। अपनी सकाफत, अपनी तशख़्स को बरकरार रखने के लिए जो आपके तारीख़ी रवायात है, इसी के हवाले से आज हम अपने जो तारीख़ी रवायात अपने तारीख़ से कुछ सीखने के लिए हम उस को अमलन इस दस्तारबंदी को दस्तार डे के हवाले से 2 मार्च का नाम दे के हम सोसाइटी में आने वाले नस्लों को नस्ल दर नस्ल इन चीज़ों को मुंतकिल करने के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
ماں کے ساتھ محبت یا ماں کے زبان اس زبان کے ساتھ محبت کا یہی وہ ذریعہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو جن میں تبدیلیاں ہر دائی کے بعد ہمارے ان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں زبانوں میں, خاص کر شہری حوالوں میں یا دیہات میں آپ دیکھو گے تو آپ کو پیور زبان ملے گا. تو ان کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے زبان, اپنی تشخص, اپنی روایات کو آنے والے نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے. اس دستار میں ایک پیغام ہے مہمان نوازی, اس دستار میں حیا و غیرت, اس دستار میں ہمسائے کے حقوق, اس دستار میں بہت سارے ان گنت روایات ہے جو اس دستار میں ہے. ان کو میں بیان کرنا چاہوں تو کافی وقت لگے گا. تو دو مارچ کے حوالے سے آج میں اپنی طرف سے, پیپل یوتھ آرگنائزیشن کی طرف سے, پی ایس ایف کی طرف سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اہل بلوچستان کو آج میں اپنی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور میں دعا گو ہوں کہ ہمارے آنے والے نوجوان اسی طرح اس عمل میں شانہ بشانہ رہے, اس عمل کو جاری رکھے. بہت مہربانی آپ کا.